राम राम सारे भाइयों को, क्या हाल चाल मेरे भाइयों की। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोगों में बढ़िया। गाइस टाइटल देख लिया होगा आज का टाइटल है क्या, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को शेयर कर देना अपने एनी टाइटल वाली लड़कियों के साथ, ठीक है भाई। वीडियो को एंड तक देखना और अपने चाहो तो शेयर कर। हेलो अजय। हाँ जी, मैं सेकंड गेट नंबर से अंदर आ गई हूँ। थर्ड से आना था ना तुम्हें, चलो वहाँ से थोड़ा आगे आ जाओ, दिख जाओ, वो आने वाली है भाई, तो वीडियो को एंड तक देखना ठीक है भाई। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई होगी ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता देना और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। कैसे मिलना हुआ, कैसे मतलब याद किया मिलने के लिए? देखी थी तुम्हारी वीडियोस YouTube पे, आज पे छाए हुए हो तुम तो यार। पहले दिलों पे छाए हुए थे, अब YouTube पे छाए हुए हैं। छाए तो रहते ही हम कहीं ना कहीं। अच्छा जी, चैनल ने ग्रोथ तो बहुत कर लिया। मेरे दोस्त बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। दोस्त लड़की है लड़के दोनों? अच्छा, दी ने मना किया था तुम्हारी वीडियोस देखने के लिए, बट उस खड़ूस का नाम ना लो मेरे सामने तो अच्छा है, बिना बात ना लो उसका नाम। वो बहन तुम्हारी है, मतलब वो किसी की बहन वहन ना होती तो मैं पता नहीं क्या से क्या बोल लेता उसे। तो मैंने समझाया था उसे, तुम्हें पता है वो पागल है। अब इसीलिए आई है क्या मिलने, उसकी बातें करने के लिए आई है? तो भाई मैं को ना पसंद उसकी बातें करना ना कुछ। अच्छा नहीं, मैं चाहती थी कि हम लोग मिले। हाँ तो वो ठीक है, वैसे नॉर्मल बातें करो, ये उसका नाम मत लो, मेरे को ना पसंद है वो, ना वैसी लड़कियाँ पसंद। उसके बाद तो मेरे को लड़की नाम से ही मतलब बद आने लगी है, पता है तुम्हें? बट सारी लड़कियाँ वैसी तो नहीं होती। बहन तो तुम्हारी है ना, तुम में और उसमें फ़र्क ही क्या है, दोनों की मिली बात। कोई नहीं यार। और क्या हाल चाल है तेरे, क्या चल रहा है, क्या कर रही है आजकल? बस कॉलेज चल रहे हैं। बड़ी हो गई है? बड़े हो गए। हाँ तो मैं तो मोटा हो गया हूँ ना। नहीं तो तू लंबी कैसे हो गई इतनी? पता नहीं। अच्छा पता नहीं है लंबी कैसे हो गई? मम्मी पापा लंबे हैं ज़्यादा। तो तेरी बहन तो गिट्ठी सी है, तू ऐसे लंबी कैसे निकली भाई? और एकदम से एक साल में इतना क्या कर लिया कि इतनी लंबी हो गई? जिम में बढ़ने लग गए। पैसे वाले लोग हो भाई, जब जो मन करे वो करो। है सही है भाई। और बताओ। मैंने सोचा था यहाँ के शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए थोड़ा। आजकल तो तुम मैसेज भी सीन नहीं करते। टाइम नहीं होता ना यार, टाइम नहीं होता, बिजी वाली बात नहीं है, टाइम देना पड़ता है ना यार। देखो जब पब्लिक इतना प्यार देती है तो पब्लिक के लिए नया करने का भी तो अपना ही हक है ना कि उनके लिए कुछ अच्छा करें। कभी एडिटिंग चल रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बिजी रहता हूँ आजकल, टाइम नहीं मिलता। तो मतलब ये तो नहीं ना कि दोस्तों को भूल जाओ? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। एक साल के बाद कौन सी दोस्ती याद आ रही है? नंबर कहाँ से लिया? यूट्यूब पे देखा था। नंबर कहाँ से लिया? तुम्हारे किसी दोस्त से मांगा। किसने दिया है तुम्हें नंबर? नाम नहीं बता सकती अब मैं। अजय इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। मैंने थोड़ा कुछ किया था, मेरे से तो दोस्ती कर सकते हो ना। हाँ या तुम मुझे मेरी दी की तरह समझते हो? तुम्हें नहीं बात करनी तो आए क्यों, कुछ बोलो तो सही। सुन रहा हूँ ना तुम्हारी, सुन रहा हूँ। उसने समझाया होगा कुछ ऐसे ऐसे जाके बात करी हुई है वो। उससे उसके काम ही यही है सिर्फ, मतलब दूसरों को जाके मतलब उसका काम ही भड़काना है या कुछ ना कुछ उसके दिल में होगा दोबारा। तो अब देख लिया होगा यहाँ वहाँ नाम चल रहा है मेरा। मैं तो अपने दिल की बात पूछ रही हूँ। मेरे को क्या पता कि एक साल के बाद कौन से दिल की बात आ रही है, ये बातें पहले नहीं आ रही थी। तेरी बहन तो एक नंबर की, वो नहीं होता कि एक नंबर जो देखी है तुमने बिच और एक नंबर की बड़ी गोल्ड डिगर लड़कियां देखी, तुम्हारी बहन जो है ना उनमें ऐसे ही एक है, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? अब तुम चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, तुम्हारी बहन की जगह ना कोई ले ही नहीं सकता लड़कियों के नाम पे। मैं क्या बोलूँ अब, मैं इतनी लड़कियों की इंसल्ट करनी अच्छी नहीं लगती यार। तो सारी हो तो तुम उसी के घर की ना यार, मुझे क्या समझा रही हो कि सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती वैसी नहीं होती। तो ये एक साल के बाद कौन सा पसंद आ रहा है? नंबर किससे लिया तुम, उसका नाम नहीं बता रही है, ऐसे कौन सी पसंद होती है?
नंबर किससे लिया बता दूंगी तो तुम उसे बोलोगे नहीं? तो उससे मैं यूं बोलूंगा कि ना, कहना फालतू के लोगों को दिया क्यों है नंबर? बिल्कुल फालतू उनको। अब तुम जब उसकी बहनों की बातें करोगे अपनी, तो मेरे लिए फालतू ही हो, मेरे लिए कोई फ्रेंड नहीं हो। तुम आती कह रही हो कि मैंने अपनी बहन को समझाया था। क्या समझाया था? घंटा समझाया था? समझाया तो उसे बहुत कुछ समझी नहीं। तो समझाया ही क्यों था मेरे को, जब मेरे को खुद उसके साथ नहीं रहना था? तुम कह रही हो मेरे को मैंने उसको समझाया था, एक साल हो गया खत्म, मिट्टी पाओ की उसकी बातें याद कर रही हो मेरे सामने फालतू की। तो मेरी तो आते तुम नहीं शुरू करे, उसके नाम वाम तुम नहीं लिए? मैंने तो लिए नहीं, क्योंकि मुझे लगा तुम गुस्सा हो रहे हो उस बात। तो मैंने क्यों कुछ बोला है? आते ही तुमने कहा मैंने अपनी बहन को समझाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नाम लिया उस चुड़ैल का। चुड़ैल तो मत बोलो। अच्छा जाओ तो मत यार, बात तो कर लो। हाँ तो उसका नाम मत लो मैडम, उसका नाम लेना है तो मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ पे अपना जो इसके साथ भी इसके साथ भी मिलने आया, हाँ तो उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मेहरबानी करके बात करनी है नॉर्मल बात करो, उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। पहले मूड की माँ बहन लगी पड़ी है, तुम उसका नाम ले रही हो मेरे सामने। अच्छा भूल जाओ ठीक है, मैंने अब नहीं बस। हाँ तो मिलना कैसे हुआ ये बताओ जल्दी, जाना भी है यार मेरे को, जल्दी बताओ। मैंने देखा था तुम्हारा चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगे तुम, और मैं पहले भी तुम्हें पसंद करती थी, बट दी की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। तुम दोनों रिलेशनशिप में थे यार, बीच में अच्छा नहीं लगता ना। अब ये तेरे को उसने पैसे वैसे का लालच दे के तो नहीं भेजा? ये ना हो कि तेरी बहन भी गोल्ड डिगर थी, तू भी गोल्ड डिगर निकले। मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ। वो तो एक ही घर के, एक घर के तो क्या हुआ, सोच तो अलग है, दिल तो अलग है। मेरे को तो आजकल बकचोदी लगती है तुम्हारी, मतलब कोई उसकी फ्रेंड भी मेरे साथ बात करती है ना तो मैं उससे भी बात नहीं करता। सच्ची बात बताऊँ, तुम तो उसकी बहन हो, फिर वे तो बहुत दूर की बात है। बट मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ यार। वीडियोस चल रही हैं, वीडियो पे मतलब सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अरे मेरे को पता है तुम लोगों का, मेरे को पता है, मेरे को मत सिखाओ तुम। मैंने पहले भी तुम्हारा नंबर ढूंढने की कोशिश करी, किसी से मिला तो मिला क्यों नहीं? अब कैसे मिल गया नंबर? वो तुम्हारा एक दोस्त मुझसे टकरा गया तो फिर मैंने उससे जबरदस्ती मांगा। मैं जिसको भी नंबर देता हूँ तो उसके उसके नीचे पता है क्या होता है, मेरा मैसेज का जवाब पता है क्या होता है? हाथ जोड़ के भाई नंबर शेयर मत करना। वो बंदा तुम्हें कैसे दे सकता है नंबर? वो अगर उसको पता होगा कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन जो सिस्टर हो, तुम्हें जान के भी ना देता होगा, या फिर किसी और को चूतिया वूतिया बना लिया होगा तुमने और तुम्हारी बहन ने। अबे यार फालतू की बातें ना करो, और बताओ मिलने क्यों आयो ये बताओ, मैं भी जाऊँ क्यों ये बातें कर रही हूँ? मिल फीलिंग्स क्या घंटा फीलिंग बहन चो तुम्हारी, मैं ना बड़ी मुश्किल से इन बातों से दूर निकला हूँ। गिरचिता नाम है, हाँ गिरचिता, हाँ गुंचिता। मैं भी इतनी सारी मुश्किलों से इन सारी चीज़ों से बाहर निकला हूँ, मेरे को दोबारा नहीं आना, मेरे को उन बकचोदियों वाली गलियों में घुसना ही नहीं है वापस, जिस गलियों में सिर्फ और सिर्फ स्यापे हो, मेरे को नहीं पसंद ऐसी लाइफ। मैं हूँ खुद में खुद मलंग रहने वाला बंदा, खुद में खुद मस्त रहने वाला बंदा, ना मेरे को किसी लड़की की ज़रूरत आज के टाइम पर ना कुछ। सच्ची बात बताऊँ तुम्हें, नहीं यकीन तो मेरा फ़ोन खोल के देख लो, लड़कियाँ तो मैं गिनवाता हूँ कितनी है। मेरे को नहीं पसंद, मेरे को सिर्फ दोस्ती तक रखना ही लोगों को पसंद है, उससे ज़्यादा अगर ना तुम सोचो ना कुछ होने वाला। अच्छा, तो दोस्ती से शुरू मेरे को रखनी नहीं, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं रखना मुझे। आज मैं तुम्हारे साथ मिला कि मैं को ऐसा मिलने के लिए वो नहीं था, जब तुमने बात नाम लिया ना अपनी बहन का, तुम्हें कोई ये नहीं पसंद कि तुम अपनी बहन का नाम मेरे सामने ले रही हो? तुम स्टार्टिंग में क्यों लिया? कोई भी बंदा यही तो बोलेगा एक साल के बाद उसकी बहन आई है तो बहन चो वो भी यही बातें करेगी मेरे साथ। आज के बाद नहीं, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो तुम? दोस्त तो बन सकते हैं ना हम। हाथ मत लगा यार, तो बात ही नहीं कर रहे ठीक से। अब किसको चूतिया बना रखा है तेरी बहन ने? किसी को नहीं बना। हाँ तू उसी की साइड लेती रहे, कोई बात नहीं। मैंने तो सुना पता नहीं किसी के पता नहीं उसमें आ रखी है रिलेशन में किसी के साथ, वो उसकी फ्रेंड ही कह रही थी मेरे को, श्वेता, उसके साथ भी हो गया, उसका भी चूतिया काट लिया होगा। मतलब तुम्हारा पता है क्या, मैं बता देता हूँ तुम्हारा पता है क्या, एक बंदे को चूसो जितना निकल सकता है, माल बड्डी निकालो उसके बाद छोड़ दो, तुमने यही सोच रखा है। अब तुम्हें फिर पे पता लग गया होगा बंदा फिर भर गया है तो फिर आओ। तो तेरी बहन कौन सी अच्छी है,
कौन सी अच्छी है? मैं तो ब्लैकमेल किसने करा था, किसने बोला था मैं ये कर लूंगी मैं वो कर लूंगी? मैंने तो तेरे को आज भी नहीं मिला, मिल ले एज अ फ्रेंड मिल ले, मेरे को कोई वो नहीं है ऐसे में ऐसे वाली चीजों में मैं नहीं मिल। ठीक है पहले ट्रस्ट बिल्ड अप कर ले, बातें आते आते उस खड़ूस से आज के बाद बात करोगे तो घंटा बहन जो किसी के ऊपर होगा। अब ये जाके बोल भी दियो उस अपनी चुड़ैल बहन को कि ये सारी चीजें हुई थी तेरी वजह से, बोल दियो उसको खबीस को, मतलब ऐसा ना कोई ऐसा कोई वर्ड हो ना सर उसके लिए बनाओ। उसकी तो औकात में दिखाऊंगा तेरे को, रुक जा एक दो महीने में तेरे को उसकी औकात दिखा दूंगा बहुत जल्दी, जिस दिन मैं उसको प्यार से बुलाऊंगा ना मिलने के लिए उस दिन उसकी मैं औकात उसको दिखा दूंगा, रुक जा उसकी औकात में तेरे को दिखाऊंगा कि उसकी औकात थी क्या और अभी क्या है। वो बस उसी लड़कों में खुश होगी, ये चला गया तो वो चला गया, वो टाइम पास है तेरी बहन, पता है तेरे को क्या है वो क्या है? इतना तो समझती है लड़की, इतना तो पता है ना तेरे को? नहीं पता, पता। फिर समझाती है उसको तू? समझाया था जे मैंने, इतनी बुरी हो गई कि तुम्हें सोचना पड़ रहा है। बुरी वाली बात नहीं है यार, तेरी बहन मेरे को तुम्हें नहीं पसंद। मेरी बहन नहीं पसंद यार, मैं तो वैसी नहीं हूं। तू तो मेरे को, मैंने तो तेरे को उल्टा बोला ही नहीं, अब तू अपना मूड मेरा भी देख खराब कर दिया, खुद का भी तेरा मूड खराब है। अच्छा मूड खराब है ठीक है, मूड खराब मत कर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, मिलेंगे किसी और दिन, खुश होके जाए। ऐसे थोड़ी ना खुश होके जाऊंगा, क्यों कैसे खुश होके जाएगी? मैंने सोचा था आएगी हग वग करेगी पता नहीं क्या।